पटना में कभी ग्रेजुएट चाय वाली, तो कभी नेपाली चाय वाला, तो कभी कोई और चाय वाला, महागठबंधन चाय वाला। लेकिन अब पटना के बोरिंग रोड में एसके पुरी पार्क के पास खुल गया है दुबई रिटर्न चाय वाला। आप देख सकते हैं चाय बन रही है, स्टॉल लगा है और साफ साफ लिखा है दुबई रिटर्न चाय वाला। और ये जो चाय की दुकान खोले हैं ये तारेश श्रीवास्तव है, गोपालगंज के रहने वाले हैं और पटना में आकर के चाय का स्टॉल खोले हैं। 3 साल दुबई में नौकरी करने गए थे, नौकरी में क्या हुआ जानेंगे हम इनसे। लेकिन देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, चाय से मोहब्बत है मेरी और मेरी मोहब्बत लाजवाब है, पटना में पहली बार चाय पिए और कप खाइए, दुबई रिटर्न चाय वाला। और जो चाय का रेट है, कुल्हड़ चाय भी है 10 रुपये, चॉकलेट 25 रुपये और वनीला 20 रुपये। एक कप चाय हो जाए जादू क्या, यानी इनके चाय में जादू है। और इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम तारेश श्रीवास्तव है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ जी। और सर मैं बताऊँगा, अभी हमने मतलब 20 से 25 दिन हुए होंगे मुझे स्टॉल खोले हुए, और इसके बाद हमारे पास ये एडेबल कप भी है जिसमें कि आप चाय पी सकते हैं और कप खा सकते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें सर ये होता है कि आप चाय पीने के साथ साथ इस कप को खा सकते हैं, बिहार में पहली बार है जिसमें आप चाय पिए और कप खा लें। इसमें क्या होता है सर कि अगर आप सुबह सुबह चाय पीते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब गैस का प्रॉब्लम होता है, तो वो प्रॉब्लम्स नहीं है क्योंकि आपका पेट खाली नहीं रहेगा। आप जब चाय पियेंगे उसके साथ ही आप बिस्किट खा लेंगे तो पेट खाली नहीं रहेगा, जिसकी वजह से गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ ही साथ इसमें आपको बता दूँ, दो फ्लेवर में है, चॉकलेट और वनीला, दो फ्लेवर है जिसमें आप फ्लेवर का भी आनंद ले सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास मिक्स चाय है, जैसे कि दुबई में बोलते हैं सुलेमानी, जो कि सुलेमानी मतलब बिना दूध का होता है, लेकिन हमने इसमें मिल्क ऐड किया प्लस मसाला और प्लस चॉकलेट एंड कॉफ़ी, ये सारा चीज़ ऐड करके हम मिक्स चाय बनाते हैं। अगर सर आप यही अगर दूसरी दुकान पर जाते हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट रेट में आपको मिलता है, लेकिन हमारे दुकान पर सेम रेट में आपको मिलेगा। जो ठेला चलाते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, उनके लिए हम 5 रुपये का चाय रखे हैं, और जो लोग कुल्हड़ में चाय पीना चाहते हैं वो 10 का चाय है, और जो लोग एडेबल कप में चाय पीना चाहते हैं सिर्फ 20 रुपीज़ का और 25 का। यानी जैसे आपके पास कस्टमर आते हैं जिस कैटेगरी के आते हैं उस तरह का यहाँ पर चाय जी बिल्कुल। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा सर, महीने भर के इनकम में से हम 20% डोनेट करते हैं उन गरीब बच्चों को जो ऑन रोड रहते हैं, रोड पर रहते हैं, रोड पर रहने के साथ वो पढ़ाई में उनका मतलब दिलचस्पी होता है, पढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों का भी हम मदद करते हैं जी। सर आपको कैसे ख्याल आया, पहले आप दुबई गए थे, दुबई में किस लिए गए थे? दुबई में मैं जॉब करने गया था सर, 4 साल पहले मैं जब पटना आया था तो पटना में पासपोर्ट बनवाने के लिए आया था, तो पहली बार और जब पासपोर्ट ऑफिस के सामने देख कप को मैं खा रहा हूँ, ये ऐसा चाय है एकदम यूनिक है, आप बस काम आएगा तो हम आपको बुला लेंगे। सर हमें एक बात कहना चाहेंगे, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, पापा की सैलरी 5 से 6 हज़ार रुपये होती है, ज़्यादा ज़्यादा 10 हज़ार रुपये हो सकती है, तो उसमें हमारा फैमिली अगर गुजारा होगा या फिर हमें गुजारा देंगे, तो इसलिए मैं सोचा कि मुझे तो कुछ करना चाहिए, तो मेरी जेब में जो भी अमाउंट था मैंने ये चीज़ हमने स्टार्ट किया और आके अभी हम चला रहे हैं। वहाँ गए आप दुबई में, यानी कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा सर? देखिए मुश्किलों का सामना कहूँ तो बहुत सारा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक मतलब अचानक से मैं दिल्ली में ऑफिस में जॉब कर रहा था, ऑफिस में जॉब करने के बाद अचानक से आपको बोल दिया जाए कि आपको हम्बर लेके आओ, आप मतलब कटर लेके आओ, प्लास लेके आओ, ये लेके आओ, मतलब अलग अलग चीज़ इक्विपमेंट जो भी यूज़ होते हैं वो चीज़ लेके आओ, तो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, बहुत सारा मतलब कभी ये चीज़ उठा के फेंको, कभी वहाँ पे ले जाओ, कभी इनके साथ काम करो, प्रॉब्लम लाइफ में मेरे मतलब शुरू से जब से दुबई गया मैं प्रॉब्लम देखता रहा, लेकिन लास्ट के कुछ सालों में मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ, यूँ कहें कि माँ बाप और समाज का जो आशीर्वाद है, तो उसकी वजह से मेरे साथ अच्छा हुआ, मैं असिस्टेंट स्टोर कीपर बना, और स्टोर कीपर बनने के साथ ही उसमें तो मेहनत था लेकिन वो मेरे लायक काम था, जो मैं करना चाहता था, तो स्टोर मैनेज करना था, हर चीज़ करना था, तो मैंने काम अपने बखूबी अपने ईमानदारी से मैंने किया, और लेकिन कंपनी के पास काम नहीं होने की वजह से कंपनी हमें भेज दी। यहाँ आपने दुबई रिटर्न चाय वाला जो स्टॉल का नाम है आपने रखा जी, इस नाम को कैसे आपके दिमाग में आया, क्यों रखे इस नाम को, जिस तरह से पटना में कई और सारे दुकान है, महागठबंधन हो या फिर ग्रेजुएट चाय वाली हो, या क्या इन सभी को देख करके आपके माइंड में ऐसा नाम आया या फिर कुछ और? देखिए सर ये परंपरा चला आ रहा है, जो भी हम अनुष्ठान या जो भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसका एक नामकरण करते हैं, एक नाम रखते हैं, और वो नाम ऐसा रखते हैं या तो किसी बच्चे के नाम पे रखते हैं जो अपने फैमिली में बच्चे होते हैं, या फिर हम किसी मतलब अपने रिलेटिव या फिर किसी अच्छी चीज़ मतलब अपने रिलीजन से रिलेटेड कोई चीज़ हम ऐसा नाम रखते हैं। तो मेरा भी क्या था कि मुझे भी दुबई रिटर्न, मैं दुबई से आया हूँ, तो मैं सोचा क्यों ना मैं दुबई रिटर्न चाय वाला
ठीक है, मैं ये नाम रखूँ तो इसलिए मैंने नाम रखा है, मैंने किसी को देख के नाम नहीं रखा है। चलिए जी सर, और आपकी चाय पियेंगे और कप खा के भी दिखाएंगे। बिल्कुल सर, तो देखिए किस तरह से जो है ये कप है और इसमें चाय पीने के बाद कप को खाया भी जाता है। अमूमन चाय पीकर कप को फेंक दिया जाता है, लेकिन यहाँ की खासियत यह है कि यहाँ पर कोई भी लोग आए चाय पीने, जिसके पास 5 रुपये है वो भी चाय पी सकता है, जिसके पास 20 रुपये है वो भी चाय पी सकता है। लेकिन अभी और भी कई सारे दुकान थे, मैंने वहाँ गया, खुद भी वहाँ देखा है किस तरह से जो है ग्रेजुएट, जो पास के ही दुकान है ग्रेजुएट चाय वाली के पास, मैंने खुद से वहाँ पर चाय देखा है और कितना वहाँ महंगा रेट है। एक बंदा आता है और वहाँ पर चाय पीने आता है, उसके पास पैसे कम होते हैं, उनको चाय नहीं दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा यहाँ पर नहीं है, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जिसके पास 5 रुपये भी है वो भी चाय पी सकते हैं। तो आप देखना होगा ये चाय कितने दिनों तक चलता है और इनकी बिजनेस जो है कितनी सफल हो पाती है। फिलहाल इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।